ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هرتريكي تعريف उस अल्लाह उसबुआम के लिए लायक और जेबा जो सारी कायनत का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है राजिक है जो अपने अरश पर होते हुए पूरी कायनत का निज़ाम चला रहा है बाद हो, उसके तमाम नबियों और रसूलों पर दरुद व सलाम नाजिल हूँ खसूसा आखिरी नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए और जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा मोहतरम हाजरीन इससे पहले जुमा के खुतबे में मैंने बताया था कि महशर के मैदान में कुछ लोगों को इज़्ज़त मिलेगी इनामात से नवाजा जाएगा और वो ख़ुशियाँ मनाएंगे, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें आप के सामने किताब सुन्नत की रोशनी में पेश किया था आज का खुतबा होगा कि मशर में कुछ लोग जलील और ख़ार होंगे रसवा होंगे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली हम तमाम को मशर की जिल्लत और रसवाई से महफूज़ रखे। मशर जो होगा ये मुकदमा होगा महसर में जो हालात होंगे बाद में वही होंगे यानी आदमी जन्नत में या जहन्नम में जाएगा वहीं फ़ैसला होगा महसर की ज़मीन कहाँ होगी कैसी होगी सूरज की तपिश कैसी होगी अल्लाह के अरश के साय में किन को जगह मिलेगी किन लोगों को पानी पीने का इंतज़ाम किया जाएगा ये सारी बातें तफसील से इससे पहले बताई जा चुकी हैं आज के खुतबे में मशर में जलील और रसवा होने वाले कौन लोग होंगे इस पर गुफ्तु होगी सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाह अल्ला अल्ला के रसूल वसल्लम ने फरमाया हज़रतबू हर रज़ी अल्लाह तैन हदीस के रवी हैं कहते हैं कि महशर के मैदान में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा वो लोग जो सोने और चांदी का ज़कात नहीं देते हैं सोने और चांदी का के, की तख्तियाँ बनाई जाएंगी और उसको आग में तपाया जाएगा और उससे उन लोगों के पहलुओं को और कोल्हुओं को दागा जाएगा जो सोने और चांदी का ज़कात नहीं निकालते हैं अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया जब वो तख्तियाँ ठंडी हो जाएंगी फिर दोबारा उनको आग में गर्म किया जाएगा और मुसलसल ये सज़ा मिलती रहेगी ये जहन्नम में नहीं है महशर के मैदान में अभी जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला नहीं हुआ यह सज़ा इस बात की दलील है कि यह इंसान जहन्नम में जाने वाला प्यारे नबी ने फरमाया पचास हज़ार साल का वो दिन होगा पचास हजार साल के बराबर होगा साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल मवेशी जिनके पास हैं ऊँट जिनके पास हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिनके पास ऊंट हैं और उन ऊंटों का ज़कात नहीं निकालता है तो ऐसे शख़्स को एक हमवार ज़मीन पर लेटा दिया जाएगा और उसके ऊंट, उसके जिस्म को रौंदते हुए और काटते हुए गुजरेंगे एक ऊंट गुज़रेगा फिर दूसरा आएगा दूसरा गुजरेगा फिर तीसरा आएगा मुसलसल ये सज़ा मिलती रहेगी महशर के मैदान में आपने फरमाया पचास हज़ार साल के बराबर वो एक दिन होगा फिर साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल गाय बकरियों का जक़ात ना निकालने वाला उनका क्या हाल होगा तो आपने फरमाया उसको भी हमवार ज़मीन पर लिटा दिया जाएगा और उसकी मवेशी उसके गाय बैल भैंस बकरियाँ उसके ऊपर से गुजरेंगी उसकी उसको अपने सींग से मारेंगी हमारे नबी ने फरमाया उस दिन गाय का भैंस का सींग जो है वो टेढ़ा नहीं होगा बराबर सीधा रहेगा सोचिए क्या हालत होगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की इस हदीस में बताया कि वो दिन पचास हज़ार साल के बराबर होगा सोने चांदी और मवेशियों के ज़कात ना निकालने वालों को ये सज़ा दी जाएगी इस हदीस में रुपये पैसे का ज़िक्र नहीं है ये हमारे ज़माने में जो रुपया पैसा चल रहा है करेंसी की शक्ल में कागजात की शक्ल में ये पहले नहीं था और इसकी कोई हैसियत नहीं है आपके जेब में 100 200 500 रुपए हैं फट गया उसकी वैल्यू ख़त्म उसकी हैसियत ख़त्म असल जो इंसान का मादा है असल जो इंसान की पूंजी है सोने की शक्ल में चांदी की शक्ल में मवेशियों के शक्ल में और ज़मीनों जायदाद की शक्ल में ये असल है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है पहले ज़माने में दिरहमो दीनार चलते थे दिरहम जो होता था वो चांदी का होता था दीनार जो होता था वो सोने का होता था इसलिए हदीसों में आप पढ़ेंगे तो कहीं भी रुपए पैसे का जिक्र नहीं है दिरहम और दीनार का जिक्र है इसलिए कि असल दिरहम और दिनार है सोना और चांदी है ये रुपये की करेंसी ये जो कागजात आए हैं ये आर्जी हैं ये कब तक चलेगा और कब ख़त्म हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है हमने आते हुए भी देखा जाते हुए भी देखा और आपने भी देखा ये कब ख़त्म हो जाएगा कब तब्दील कर दी जाएगी कब इसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी आपके पास वो रुपये पैसे धरे रहेंगे और उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो असल जो मादा है असल जो पूंजी है वो सोना है चांदी है ज़मीन है मवेशियां हैं ये असल पूंजी है इसीलिए अल्लाह के नबी ने इस हदीस में उन्हीं पूँजियों का जिक्र किया रमज़ान करीब आ रहा है बहुत सारे लोग फिक्रमंद होंगे रमज़ान में ज़क़़त निकालनी है अल्लाह तबारक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए ज़क़़त निकालने से आपका माल पाक हो जाता है दुनिया में भी खूब तरक्की करते हैं आख़रत में ज़िल्लत की रसवाई से भी महफूज रहेंगे इसलिए ज़कवा़त निकालते रहें मैं ये कहूँगा कि रमज़ान का इंतज़ार न करें बल्कि जब भी आपके माल पर एक साल पूरा हो जाए उसी वक्त ज़क़़त निकाल दें और अभी अगर अभी पूरा होने में बाकी है रमज़ान पहले आ गया तो आप पहले निकाल सकते हैं ये और बेहतर तरीक़ा है इसमें कोई हर्ज नहीं है इसी तरीके से महशर के मैदान में मुनाफिकों और बेनमाज़ियों को जो जिल्लत और रसवाई होगी अल्लाह तबार को ताली ने उसकी मिसाल कुरान मजीद में बयान की है सुरत-ul-क़लम के अंदर आयत नंबर बयालीस और पैंताली तिरालीस में अल्लाह ने फरमायाफुानसा क्योंद फ़लाय ओन जिस दिन अल्लाह तबार को ताल की पिंडली खोली जाएगी और लोगों को सजदे के लिए बुलाया जाएगा फ़लायती ओन तो वह सजदा नहीं कर सकेंगे ये कौन लोग होंगे अल्लाह तबार व तआला ने फरमाया खाशियतन अबसारहुम उनकी निगाहें झुकी होंगी तरा हक उनके ऊपर और तो रुसवाई तारी होगी वक़द कानू युद सुजूद वहुम सालिमोन इससे पहले उन लोगों को सजदे की तरफ बुलाया जाता था जब वो सेहतमंद थे सजदा कर सकते थे अल्लाह तबारक व तआला ने सजदे की कैफियत को पैदा करने के लिए सजदे की कैफियत को अपनाने के लिए जो हमारे जिस्म के साख्त बनाए हैं आप देखिए ये हाथ मुड़ जाता है ये पंजे ज़मीन पर रखते हैं घुटने मुड़ जाते हैं कमर टेढ़ी हो जाती है इस तरीके से इंसान सजदे करता है अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया इंसान के जिस्म में जितने जोड़ हैं उन जोड़ों पे ऊपर सदका निकालना वाजिब है उसकी मुख्तलि शक्लें बयान की ये मेरे मौजूद से मुतल नहीं है कभी इस पर रोशनी डालूँगा लेकिन कयामत का वो मंज़र होगा महसर का वो मैदान होगा लोगों को सजदे के लिए बुलाया जाएगा लोग सजदा नहीं कर सकेंगे वो कौन लोग होंगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं सोलन तिरमिज़ी की हदीस है अब्दुल्ला अबिन रजी अल्लादीस के रामी हैं कहते हैं यहाँ से मुराद वो लोग हैं जो सजदा नहीं कर सकेंगे जो दिखावे के लिए सजदा करते मुनाफिक वो मशर के मैदान में सजदा नहीं कर सकेंगे और वो लोग जो सजदा नहीं करते थे वो भी सजदा नहीं कर सकेंगे आज मोजिन अजान देता है हैया सलाह आओ नमाज की तरफ है फलाह आओ कामयाबी की तरफ दुनिया में हम सजदा करेंगे अल्लाह तबारक वाली क्यामत के दिन हशर के मैदान में हमें ये तोफ़ीक नसीब फरमाएगा कि जब अल्लाह की पिडली खोली जाएगी हम सजदे में गिर जाएंगे लेकिन वह बदनसीब होंगे जो सजदा नहीं कर सकेंगे उनकी पीठ सख्त हो जाएगी जिस तरीके से तख्ते को मोड़ा नहीं जा सकता है उनकी पीठ तख्ते की तरह सख्त हो जाएगी वो सजदा करना चाहेंगे मुंह के बल धड़ाम से गिर जाएंगे सजदा नहीं कर सकेंगे मेरे भाइयों सजदा करो जितना आप सर को झुकाते हैं अल्लाह उतना आपको बुलंद करेगा अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा अपने रब से करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है अल्लाह को सजदे की ये कैफियत बहुत पसंद है जब इंसान अपनी पेशानी और अपनी नाक को ज़मीन पर रख देता है और एक अजीब कैफियत बना लेता है और वहाँ जा कर के अल्लाह की तारीफ करता है सुबह सुब्बोहन रबुल अल्लाह बहुत खुश होता एक सजदा करता है अल्लाह तबार को तला उसको रिफात और बुलंदी अता करता दुनिया में भी और आख़रत में भी और कयामत के दिन हशर के मैदान में जिल्लत और रसवाई से भी अल्लाह हिफाजत करेगा तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तोहबा करें जो बेनमाजी है वो मुसलमान नहीं है बारह गुफ्तगु इस सिलसिले में हो चुकी है इसी तरीके से हशर के मैदान में कातिल और मखतूल कातिल और मकतूल को इस हाल में लाया जाएगा कि मकतूल अपने कातिल की पेशानी को और उसके सर को पकड़े होगा और उससे चिमटा हुआ होगा उसके जिस्म से उसके रगों से खून बह रहा होगा और वो घसीटते हुए कातिल को अल्लाह के करीब लाएगा और अल्लाह से कहेगा कि अये अल्लाह इस शख्स से पूछ इसने मुझे क्यों कत्ल किया था मेरे भाइयों आज जरा जरा सी बात पर कत्ल खोरेजी गारत गरी आम है कातिल का अंजाम बहुत बुरा होगा मकतूल उसके सर को पकड़ कर लाएगा उसकी पेशानी को पकड़ कर घसीटते हुए लाएगा कहेगा ला पूछ इससे इसने क्यों मुझे कत्ल किया था मेरा जुर्म क्या था एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करता है ये तो एक अलग मसला है वो कतिल वो मकतूल हैं लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो बम गिरा करके या इसी दूसरी तरीके से जहरीले आलात के जरिए से बैक वक्त सैकड़ों और हजारों लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं उनका अंजाम क्या होगा मेरे भाइयों आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है ये फितनों का दौर है ये साजिशों का दौर है ऐसे हालात जब कहाँ कत्ल के लिए साजिशें रची जाती हैं बैक वक्त सैकड़ों और हजारों लोगों को कत्ल कर दिया जाता है उन कातिलों का अंजाम क्या होगा इस हदीस में बयान किया गया जैसा कि अब्दुल्ला अबिन रसी बयान करते हैं सुलंतरिमिज़ी की हदीस है इसी तरीके से कोई शख्स किसी की किसी की जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया होगा सोना चांदी और मवेशियों के तल्ल से बात हो गई तीसरी चीज़ चौथी चीज़ जो इंसान के लिए सरमाया है ज़मीन है जायदाद है उसके पास जमीन का टुकड़ा है घर है मकान है ये इंसान की पूंजी है ये इंसान की ताकत है लेकिन बहुत सारे लोग दूसरों की जायदाद पर नाजायज कब्जा कर लेते हैं और दूसरों को जाने दीजिए अक्सर ऐसा होता है एक भाई दूसरे भाई की जायदाद पर कब्जा किए बैठा है एक भाई बहन की जायदाद पर कब्जा किए बैठा है अक्सर आप देखेंगे मेरे ख्याल से मैं भी उसमें हूं आप भी हैं सब लोग हैं वो ज्यादातर इस मसले में अपने भाइयों से परेशान है घर पे कब्जा करके बैठा है दुकान पे कब्जा करके बैठा है खेतियों पर कब्जा करके बैठा है जमीन और जायदाद पर कब्जा करके बैठा है मुख्तलिफ़ की तावीलें करता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बालिश जमीन भी अगर किसी ने नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया है कयामत के दिन उसको सात जमीनों का तौक पहनाया जाएगा यानी सात जमीनों के नीचे उसको धंसा दिया जाएगा कैसी जिल्लत होगी कैसी रुसवाई होगी एक बालिश्त जमीन का ये हाल है आज तो पूरी दुकान लोग कब्जा करके बैठे हैं आज पूरा फ्लैट कब्जा करके बैठे हैं आज जमीन और जायदाद कब्जा करके बैठे हैं पड़ोसियों से तो लोग परेशान हैं ही खुद अपने भाई अपने रिश्तेदार इस तरह की हरकतें करते हैं अपने भाइयों के बहनों की जायदाद पर कब्जा किए हुए बैठे हैं अल्लाह तबारक तआला उन सबको हिदायत नसीब फ़रमाए प्यारे नबी सईद इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला तु कहते हैं सही बुखारी की हदीस है कि क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सात ज़मीनों के नीचे धंसा दिया जाएगा सात जमीनों का तोक पहनाया जाएगा ले इसी ज़मीन के लिए तू मर रहा था ज़िलत रसवाई का वो मंज़र वो जहन्नम में जाने के बाद नहीं महश्र ही में ये सब शुरू हो जाएगा ये सब महशर की बातें हो रही हैं जन्नत में जाने के इनामात जहन्नम में जाने की सजाएँ वो अलग हैं ये सब सज़ाएं महशर में मिलेंगी तमाम के सामने मिलेंगी अवलिन और आखरीन का इज्तम होगा आदम से लेकर के ईदम और आज से लेकर क़्यामत तक जितने इंसान हैं सब मौजूद रहेंगे सब के सामने ये सजाएँ दी जाएंगी अल्लाह हमको उस दिन की ज़िल्ल और रोई से महफूज रखें इसी तरीके से सूद खोर लोग सूद खाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के सूद का नाम बदल बदल कर लोग खाते हैं वो कयामत के दिन हशर के मैदान में ऐसे खड़े होंगे जैसा बावला रहता है पागल लोग रहते हैं अल्लाह तबारक वाली उनको बावला बना देगा उनको पागल बना देगा अल्लाह तबारक ते सूर् बकरा में आयत नंबर दो सौ पचहत्तर में फ़रमाया अल्लादीन या या याकलून रिबा, जो लोग रिबा खाते हैं सूद खाते हैं इंटरेस्ट का पैसा खाते हैं बयाज खाते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लादीन या क्लून रिबा जो लोग रिबा खाते हैं लाकूमू ना कमा यकूम तब शैतान मशर के मैदान में वह ऐसे खड़ा होगा जैसे बावला जिसको किसी शैतान ने छू कर बावला बना दिया क्या ज़िल्लत रसवाई होगी मेरे ये चार दिन की जिंदगी है क्यों अपनी आखरत को बर्बाद कर रहे हैं आज एक बड़ा तबका है जो सूद खोरी में मुबतला एक बड़ा तबका है जो भाइयों की बहनों की जमीनों जायदाद पर कब्जा करके बैठा मेरे भाइयों तोबा कर लो तोबा कर लो कब मौत का फरिश्ता मौत का पैगाम लेकर के आ जाए एक लम्हे के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा हमने देखा है सड़कों पर चलते हुए लोग मर रहे हैं हमने देखा है बिस्तरों पर सोते हुए लोग दोबारा उठ नहीं पा रहे हैं मौत के आने से पहले आखरत की तैयारी कर लो आखरत की तैयारी कर लो तोबा कर लो मेरे भाइयों आज हमारे पास मौका है अगर हमारी इस मस्जिद के अंदर कोई शख्स बैठा है मैं उससे गुजारिश करूंगा आपके पास अगर किसी का हक है आज जाएँ अभी जाएँ उसका हक उसको वापस कर दें वापस कर दें और बताएं कि शैतान ने मुझे गुमराह किया था लेकिन मैंने नबी की हदीस सुनी ये आप ये आपका हक है ये आपकी ज़मीन है ये आप इस, इसे ले लीजिए मेरे भाइयों किसी की थोड़ी सी जमीन लेकर के किसी की थोड़ी सी जायदाद लेकर के हम क्या कर लेंगे अल्लाह ताला कितना दिया है। लेकिन इंसान की फितरत है बड़ी बड़ी ज़मीनें और जायदाद रखने के बावजूद भी थोड़ी थोड़े टुकड़े के लिए इंसान मरता रहता जो लोग तकबर में मुबतला हैं गुरूर में मुबतला दुनिया में गुरूर आ जाता गुरूर किस बात का क्या हमारे लिए मुनासिब है कि हम गुरूर करें किस्म के लोग गुरूर में किसी को उहदा मिल गया गुरूर में आ गया कोई पैसा कमा लिया गुरूर में आ गया किसी को ताकत हो गई गुरोर में आ गया तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए मुनासिब नहीं हैं, कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है आज ताकत है कल ख़त्म हो जाएगी आज पैसा है कल ख़त्म हो जाएगा आज उहदा और मनसब है कल सुबुकदोश हो जाएंगे, ये चीज़ें तकबुर का सबब बने मुनासिब नहीं हैं, लेकिन आज हमारे लोगों की हालत है ज़रा ऐसा मिला तो सीना तान के चलता है लोगों को हकीर समझता मुनासिब नहीं है मेरे भाइयों मुनासिब हम अल्लाह के आजिज़ बंदे हैं हम अल्लाह के आजिश बंदे हैं हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करने वाले हैं। हमारे नबी को अल्लाह ने क्या नहीं दिया था लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अख्तियार दिया गया आपने कहा कि अय अल्लाह मैं तेरा आजिश बंदा बन के रहना चाहता और मैं तो यह चाहता हूं कि एक दिन मैं पेट भर के खाना खाऊं और तेरा शुक्रिया अदा करूं और एक दिन भूखा रहूं और तेरे सामने आजिज व इंकसारी करूं कि अल्लाह न खिलाए तो कोई खिला नहीं सकता यह हमारे नबी की सिफत हम छोटी छोटी बातों पर मगरूर हो जाते हैं अल्लाह के नबी ससम फरमाते हैं अमर बिन शुआब अपने वालिद से वो अपने दादा से यानी अमर बिन आस अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह से रवायत करते हैं सुरंतरमिज़ी की हदीस है कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक मगरूर लोगों को चूंटियों की शक्ल में लाएगा जिस तरीके से चूंटियाँ होती हैं चूंटियों को हम कोई हैसियत नहीं देते हैं उनकी हकीकत को नहीं समझते हैं तो मगरूर लोगों को चूंटियों की तेह लाया जाएगा उनकी शक्ल तो इंसानों की होगी और हैत चूटियों की होगी चूंटियों को चलते हुए लोग मसल देते हैं उसकी कोई हैसियत नहीं रहती ये मगरूर लोग जो अपने आप को बड़ा समझते हैं कयामत के दिन महेशर के मैदान में जुल्लत रसवाई का हाल ये होगा कि उनकी शक्लें चूंटियों की बदल दी जाएंगी चूंटियों की शक्ल में लाए जाएंगे। मेरे भाइयों बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं कोई जमात का जिम्मेदार है कोई मस्जिद का जिम्मेदार कोई मदरसे का जिम्मेदार कोई इधारे का ज़िम्मेदार कोई बैतुलमाल का जिम्मेदार कोई खानदान का ज़िम्मेदार ये ज़िम्मेदारी ये एक बोझ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा तुम्हें कोई भी ज़िम्मेदारी मिले तो नहीं लेना ये जिम्मेदारी के ताल्लुक से कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। ये ज़िम्मेदारियाँ ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है इसके ज़रिए से इंसान को इज़्ज़त मिलती है ज़िम्मेदारियाँ डाल करके इंसान को आज़माया जाता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी आदमी दस आदमियों का जिम्मेदार हो गया आज तो पूरी जमात का जिम्मेदार इधारों का जिम्मेदार कई लोग उससे जुड़े हुए हैं मस्जिदों का जिम्मेदार मुख्तलि जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि महशर के मैदान में ऐसे जिम्मेदारों को अभी वजह नहीं बताए हैं सारे जिम्मेदारों को महशर के मैदान में जिम्मेदारों को इस हाल में लाया जाएगा कि उनके हाथ उनके गर्दनों से बांध दिए जाएंगे जिस तरीके से बड़े मुजरिमों को आहनी जंजीरें पहना करके जेलों तक पहुंचाया जाता है कोर्ट में पेश किया जाता है ऐसे ओहदेदारों को ओहदा और मनसब वालों को सुन लो मेरे भाइयों, प्यारे नबी वसल्लम फरमाते हैं मुस्नद अहमद इब्ने हंबल की हदीस है अबू उमामा अल बाहिली रजी अल्लाह तन हदीस के रावी हैं कहते हैं कि जिम्मेदारों के हाथों को उनके गर्दनों से बांध कर लाया जाएगा हथकड़ियाँ डाल दी जाएंगी और इस हाल में वो लोगों के सामने आएंगे अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे फिर या तो उनका इंसाफ इज्जत के साथ उनके हाथ को छुड़ा देगा या तो उनका जुल्म इसी तरह जिल्लत और रुसवाई के साथ उनको तबाही में डाल देगा ये उहदा ये मनसब ये बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है लोग उहदे और मनसब के लिए इलेक्शन लड़ते हैं आज तो मस्जिदों की कमेटी के लिए भी बाकायदा इलेक्शन कराया जाता है तोबा करो मेरे भाइयों डरो अल्लाह से डरो अल्लाह से जहाँ तक हो जिम्मेदारियों से बचो हाँ अगर कोई जिम्मेदारी डाल देता है आपके ऊपर ज़बरदस्ती अल्लाह आपकी मदद करेगा लेकिन ज़िम्मेदारियों के लिए परेशान होना ज़िम्मेदारी के लिए दौड़ भाग करना ज़िम्मेदारी की तमन्ना करना यह मुनासिब नहीं है आज तो हालत यह है कि ज़िम्मेदारी हासिल करने के लोग कैसी साजिशें करते हैं कैसा गेम तैयार करते हैं अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए अहद शिकनी करने वालों का अंजाम क्या होगा अबू सईद खुदी रजी अल्लाह तआला नौ हदीस के रावी हैं सही मुस्लिम की हदीस है कहते हैं कि कोई आदमी किसी से वादा किया वादा करके उसने पूरा नहीं किया पैमान को तोड़ दिया अहद शिकनी किया किस हाल में आएगा महशर के मैदान में उसको इस हाल में लाया जाएगा कि उसकी सुरीन पर झंडा गाड़ दिया जाए अल्लाह अल्लाह हम सबको ज़िल्लत और रही से महफूज रखे कितने वादे हम करते हैं कितने वादे हम करते हैं कितना पैमान हम करते हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में आदो पैमान किया अबू जंदल बेड़ियों में जकड़े हुए आए है तो उमर बिन अल्लाह के रसोल हम अपने साथी अबू जंदल को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकते नबी ने फरमाया वो आहदा हो चुका है उमर हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं और अबू जंदल से कहा अबू जंदल सब्र करो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा मेरे भाइयों हत को पूरा करो मोमिन की शान है वो हत को पूरा करता है वादा करता है तो निभाता है बदहदी करने वाला अहद शिकनी करने वाला मशर के मैदान में कैसा जलील रसवा होगा उसकी सुरीन पर अल्लाह ताला झंडे गाड़ देगा नबी सा फरमाते हैं अहद शिकनी कैसी है झंडा भी वैसा होगा छोटी अहद शिकनी है झंडा छोटा होगा बड़ी अहद शिकनी है झंडा बड़ा होगा किसी की सुरीन पर झंडा गाड़ दिया जाए वो भी पूरे लोगों के सामने कैसी हालत होगी मेरे भाइयों डरोल्ला से अल्लाह से ये चंद दिन की जिंदगी को इसको आर्जी समझो ये दायमी नहीं है यहां की चंद दिनों की लजतों के लिए अपने आखरत को बर्बाद न करो बहुत सारे लोग कई बीमिया रखते हैं कई बीमिया रखना चार बीमिया रखने की शरीयत में इजाजत आप दो रख सकते हैं तीन रख सकते हैं चार रख सकते हैं मैक्सिमम चार अल्लाह तबार व तआला ने फरमाया कि अगर तुम्हें डर है कि अपने बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही रखो बहुत सारे लोग कई कई बीवियां एक बीवियां दो बीवियां तीन बीवियां चार चार बीवियां रखते हैं और बात शौकीन किस्म के लोग हैं अगर चार से ज्यादा चाहते हैं तो कोई बीवी बीमार रहती है या बूढ़ी हो गई तो उसको तलाक दे करके पांचवी सौ चौथी बना के शादी कर लेते हैं ये सारी चीजें चल रही हैं हम भी इसी दुनिया में हैं हम भी इसी माहौल में हैं बहुत सारे लोगों की हरकतों को हम जानते हैं ये ये शौक पूरा करने के लिए ये इजाजतें नहीं दी गई आपकी बीवी बीमार हो गई अब आपको और ज्यादा जरूरत है आप आपकी और ज्यादा जरूरत है आपकी बीवी को अच्छे वक्त में उसने आपका साथ दिया बीमार हो गई तो आपने उसको तलाक दे दिया जवानी में आपने उसको अपने साथ में रखा बूढ़ी हो गई अब साथ देने की जरूरत है तो आपने उसको तलाक दे दिया यही इंसाफ है क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह के यहां बहुत सारे लोग शौक पूरा करने वाले चार ही की इजाजत है पांचवी करना चाहते हैं क्या करेंगे कौन सी बीवी से दिल भर गया कौन सी बीवी बूढ़ी हो गई है कौन सी बीवी बीमार हो गई उसको छोड़ करके दूसरी ले आते मेरे भाइयों एक ही पर इतफा करो अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो अल्लाह के नबी वसलम फरमाते हैं अबू दाऊद की हदीस है अबू हरे अल्लाह तारा हदीस के रहाी हैं कहते हैं एक से ज्यादा बीवियाँ रखने वाला अपने बीवियों के दरमियान अगर इंसाफ नहीं करेगा क्यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका आधा जिसम फालिज जदा होगा मफलूज होगा क्या जिल्लत रसवाई होगी अल्लाह के नबी सल्हु वसम से ज्यादा इंसाफ वाला कौन हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में मुब्तला हैं। आपकी जिंदगी के आखिरी अयाम चल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी अपने तमाम बीवियों की बारी का ख्याल करते हुए उनके हुजरों में पहुंच रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलना नहीं हो रहा सहारा लेकर के पहुंच रहे हैं अल्लाह के नबीम बार बार कहते कल मैं किसके यहां रहूंगा आपकी बीवियों ने आपकी हालत को देखा महसूस किया कि आप हजरत आयशा के उजरे में रहना चाहते हैं और अपनी जिंदगी की आखिरी एयाम हजरत आयशा के साथ गुजारना चाहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों ने बैक जुबान होकर के कहा अल्लाह के रसूल आप जिसके साथ रहना चाहते हैं हजरत आयशा के साथ रखना चाहते हैं हम सब की तरफ से आपको इजाजत क्या इंसाफ था चलने की ताकत नहीं है लेकिन अल्लाह का खौफ है कि कल क़यामत के दिन जवाब दे दूंगा मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमियों के दरमियान इंसाफ करते हुए कहा करते थे अल्लाह जिस चीज़ का अख्तियार है ये मैं कर रहा हूं इनकी रोज़ियों के सिलसिले में इनकी बारियों के सिलसिले में अल्लाह अगर मेरे दिल में किसी की मोहब्बत ज्यादा है तो उस पर मेरा अख्तियार नहीं वो तेरे अख्तियार में है मौला अल्लाह क़यामत के दिन तो इस सिलसिले में मुझे जलील रसवा मत करना ये है हमारे नबी का तरीक़ा मेरे भाइयों ज़्यादा शादियाँ शौक़ के लिए नहीं की जाती आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे दरमियान अल्लाह उन सबको हिदायत नसीब फरमाए बीवियों के दरमियान इंसाफ करना इसी तरीके से जो लोग दूसरों के ऊपर रते हैं किसी भी तरीके से अपने कमज़ोरों के ऊपर ताते हैं क़यामत के दिन अंधेरे में होंगे उनके सामने अंधेरा छाया होगा अब ये ये जो उजाला होता है आप उजाले में निकलते हैं सफ़र करते हैं कितना अच्छा लगता है रात होती है लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं आराम का वक्त हो गया क़यामत के दिन इतना उजाला होने के बावजूद सूरज करीब होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे होंगे जो अंधेरे में होंगे उनको कुछ दिखाई नहीं देगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अजलम झुलम तुनिया म अब्दुल्ला इबन उमर रजी अल्लानी के रामी है सही बुखारी की हदीस है कि कयामत के दिन ये म जो है ये ज़ुल्मत का सबब होगा किसी के ऊपर जुल्म ना करें बीवी के ऊपर जुल्म ना करें बच्चों के ऊपर जुल्म ना करें वस्ताद हैं शागिदों के ऊपर ना करें बड़े हैं छोटों के ऊपर म न करें हाकिम हैं महकूम के ऊपर म न करें आमतौर पर म्म का सिलसिला जो है बड़ा छोटे पर करता है हाकिम महकूम पर करता है मेरे भाई आज आज लोग अपने बच्चों पर जुल्म करते हैं फूल से बच्चे जुल्म करते हैं लोग उनको मारते हैं उनको डांटते बीवियों के साथ बदतमीजियाँ करते हैं ये सारी चीज़ें जुल्म में आती हैं हमें चाहिए कि अपने आप को जुल्म से बचाएं और ना कयामत के दिन हमारे सामने अंधेरा ही अंधेरा होगा इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए मालदार बनने के लिए मांगते रहते हैं यकीन दूसरों के सामने हाथ फैलाना ये जिल्लत और रसवाई है इंसान जितनी मेहनत करके लोगों के सामने हाथ फैलाता है और ज़िल्लत और रसवाई को बर्दाश्त करता है उससे ज़्यादा अगर वो अल्लाह के दरबार में आए सजदा करके अल्लाह से दुआ करे अल्लाह रास्ते निकालेगा मेरे भाइयों अल्लाह से मांगने से इज्जत मिलती है लोगों लोगों के सामने हाथ फैलाने से जिल्लत रसवाई होती है बहुत सारे लोग हैं पेशावर भिकारी है यकीनन अगर कोई इंसान इस हाल में पहुंच गया है कि वो ज़रूरतमंद है उसको ज़रूरत है उसकी बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो किसी से सवाल कर सकता है मजबूरी की हालत में लेकिन आज जो सवाल करने वाले हैं आज जो साइल हैं आज जो फ़कीर हैं आज जो भिकारी हैं ये पेशावर भिकारी हैं ये मांग मांग कर मां कितने भिकारियों की दास्तानें आपने पढ़ी होंगी आए दिन पेपरों में अखबार में आता रहता है मांग मांग के वो इकट्ठा करता है मर जाता है बाद में उसके उसके तिजोरियों को उसके बोरे को खोला जाता है लाखों और करोड़ों का है लेकिन जिंदगी भर भी मांगता रहता है कैसा बदनसीब होगा जिंदगी भर मांगा खाया भी नहीं खाना भी मांग के खा लेता है पैसा भी मांग के रख लेता है खाने का इंतजाम हो गया पहनने का इंतजाम हो गया पैसा करेगा क्या प्यारे नबी वसल्लम ने गदागरी से मना किया है आपने फरमाया जो शख्स पैसे इकट्ठा करने के लिए पेशावर भिकारी है सही मुस्लिम की हदीस है हमजा बिन अब्दुल्ल रवायत करते हैं कहते हैं कि अगर अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई शख्स पैसा इकट्ठा करने के लिए ज्यादा मालदार होने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाता है कयामत के दिन ये खूबसूरत चेहरा ये बदल जाएगा हमारे नबी ने फरमाया चेहरे पर गोश्त नहीं होगा लोगों को मालूम हो जाएगा कि यह भीख मांगा करता था मेरे भाइयों क़यामत की जिल्लत और से अपने आप को बचाओ लोगों के सामने हाथ ना फैलाओ लोगों के सामने हाथ फैलाने में ज़िल्लत है अल्लाह से मांगो अल्लाह से मांगो अल्लाह से मांगो अल्लाह देने वाला है क्या वो अल्लाह जो सबको देता है वो हमें नहीं देगा लोगों ने अल्लाह पर भरोसा करना छोड़ दिया है हम जुबान से तो कहते हैं हमें अल्लाह पर भरोसा है लेकिन हकीकत में अमल की दुनिया में हम बहुत पीछे हैं। मेरे भाइयों हमें चाहिए कि इसका ख्याल करें क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जिन जिनको ज़िल्ल जिनकी जिल्लत और रसवाई का हाल ये होगा कि अल्लाह उनसे गुफ्तगू नहीं करेगा उनके ऊपर नज़र रहमत नहीं डालेगा उनके गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा वो मुख्तु किस्म के लोग होंगे सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया टखनों से नीचे कपड़ा पहनने वाला आज हमारे नौजवानों के देखिए उनके पतलून टखनों से नीचे रहते हैं हम इसको कोई गुनाह नहीं समझते हैं आज का नौजवान इसको कोई गुनाह नहीं समझता अरे नौजवानों को छोड़ो मैंने कितने बूढ़ों को देखा है। अपने पैंट, अपने क्या नाम है पैंट पैजामा और लुंगियां ये टखनों से नीचे रखते हैं ये इतना बड़ा गुनाह है कयामत के दिन अल्लाह तला आपकी तरफ देखेगा भी नहीं सहाब कराम ने जब यह हदीस सुनी फौरन गए अपने 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 टखनों के नीचे जो कपड़े थे उनको काट दिया मेरे भाई बहुत सारे लोग कहते हैं टेलर सिल दिया है बड़ा हो गया अरे उसको काट को छोटा कर लो दो मिनट का काम है किसी टेलर के पास जाओ दो मिनट में करके आपको दे देगा तो वो लोग जो टखने से नीचे रखते हैं एहसान करके एहसान जताने एहसान करना अच्छी बात है लेकिन एहसान जताना ये बहुत बुरी बात है आज लोगों को की आदत हो गई है एहसान करके एहसान जताते हैं इसी तरीके से झूठी कसम खा करके अपना माल बेचने वाला अल्लाह तला उसकी तरफ भी नजर रहमत से नहीं देगा दूसरे हदीस में आपने फरमाया एक बूढ़ा जिनाकार बूढ़ा है लेकिन अयाश है जनाकारी है मुंह में दांत नहीं पेट में आँख नहीं आंखों से दिखाई नहीं देता कमर की हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं लेकिन फिर भी जना का शौक़ है कितना बदनसीब होगा अल्लाह तला उससे गुफ्तगू नहीं करेगा इसी तरीके से बादशाह है फिर भी झूठ बोलता अल्लाह उसको भी जलील और रस्वा करेगा फकीर है लेकिन फिर भी घमंड करता है अल्लाह उसको भी जलील और रसुआ करेगा सही मुस्लिम की ये भी हदीस है सुरन नसई की एक हदीस है अल्लाह के नबी सर ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नज़र नहीं करेगा जो माँ बाप का नाफ़रमान है माँ बाप की नाफरमानी करने वाला रब की रहमत से महरूम हो जाता है मर्दों की मुशा करने वाली औरतें यह अल्लाह की रहमत से माहरूम चाल में ढाल में कपड़े में अंदाज में गुफ्तु में बाल में अगर मर्दों की मुशाभत करती हैं औरतें क़यामत के दिन रहमत इलाही से महरूम हो जाएंगी दयूस अपने घर वाली औरतों को अपनी बीवियों को देखता है कि वो बेहयाई बेशर्मी के साथ घूम रही हैं इसकी गैरत मर चुकी है अपनी बीवी को मना नहीं कर पाता है ऐसा दयूस है क़यामत के दिन अल्लाह की रहमतों से महरूम होगा वक्त ख़त्म हो गया अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्लम हम तमाम को क्यामत के दिन महसर के मैदान की शरत और रसवाई से अल्ला हम सब की हफ़ाजत फरमाए अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त के साथ रखे मशतर में इज्जत के साथ रखे अल्ला हम सब को नेक तोफ़ी नायत फरमाए गुनाहों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए रमज़ान करीब आ रहा है दो या तीन दिन में बिल्कुल हमारे पास आ गया है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तौर इस माह मुबारक को रहमत बनाकर हम लोगों के ऊपर सया फ़गन फरमाए और हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नकियाँ करनी कि अल्लाह हम सब को तो़ीक़ नायायत फरमाए अल्लाह हम सब को रमज़ान तक बायात रखे और सेहत के साथ सलामती के साथ रखे और रमज़ान की बरकतों से अल्लाह तबारक तौर उल्लू लोगों को जो बीमार हैं परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी बीमारियों परेशानियों को दूर फरमा दे कुवलिहाजा कौली हाजा अल्लाह अली वलकुम वले सائرे المصليمين من كل زم فقستقفروه إن هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه